यार बोर्ड एग्जाम जो है 2025 में जो होने वाली है, इसमें से मैथ सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें 20 क्वेश्चन सिर्फ जो सिर्फ त्रिकोणमिति से पूछे जाएंगे, सिर्फ त्रिकोणमिति से ही 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसी को आज हम कवर अप करते हैं, त्रिकोणमिति का कुछ महत्वपूर्ण सवाल को। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नावली 8.1, इससे पहले हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पर सवाल है पहला कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण डी समकोण है, एबी का मान है 24 सेंटीमीटर और बीसी का मान है 7 सेंटीमीटर, तो कथा इसमें मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन ए कॉस ए, दूसरा है साइन सी और है कॉस सी। चलिए पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसमें कह रहा है कि कोण बी जो है समकोण है, तो यहाँ पर हो जाता है समकोण, समकोण यहाँ बनाती थी, ये हो जाएगा बी, ये मान लेते हैं ए बी और ये हो गया सी। सवाल है कि ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, ए बी यहाँ पर है और ये हो जाएगा 24 cm। उसके बाद बी सी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, बी सी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर ए सी का मान नहीं दिया है, तो ए सी का मान पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलिए यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, इससे पहले के वीडियो में हमने त्रिकोणमिति का सूत्र होते हैं वो सब लिखा दिया है, उसमें से आप लोग देख लेंगे वीडियो तो सारे सूत्र याद कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथा प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कि ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस होता है बी सी का स्क्वायर। ठीक है, और सिर्फ अगर ए सी हमें निकालना हो, सिर्फ ए सी निकालना हो, ये स्क्वायर इधर जा करके रूट बन जाता है, तो रूट अंडर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर ए सी का मान क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट ए बी का स्क्वायर, ए बी का वैल्यू देखिए यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है, यहाँ हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर। यहाँ आगे क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है, जब हो जाएगा आपको 576, कितना हो जाएगा 576 और 7 × 49, जब इसको जोड़ेंगे तो 576 और 49 जो है, 576 और 49, तो ये हो जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल होता है 25, यानी ए सी का मान यहाँ से 25 सेंटीमीटर आ गया। अब फाइंड आउट करना है, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ, पहला सवाल है साइन ए कामा है कॉस ए। चलिए पहला निकालते हैं साइन ए, साइन ए बराबर क्या होगा, तो साइन ए का मान हम लोग जानते हैं कि लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण यानी कि पी बाय एच। अब यहाँ पर देखिए लंब का मान कितना है, तो साइन ध्यान रखना है कि एंगल का ध्यान रखना है, साइन ए यहाँ पर कहा जा रहा है, साइन ए कहा जा रहा है, यहाँ ध्यान देंगे साइन ए कहा जा रहा है। ठीक है, क्या कि ये एंगल ए से लिया जाएगा, साइन ए जब एंगल लेंगे तो इसके सामने का कोण यानी बी सी यहाँ पर हो जाएगा लंब, बी सी क्या हो जाएगा लंब, यहाँ पर बी सी हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब और ए बी हो जाएगा आधार, ए बी क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा यानी बेस हो जाएगा। देखते हैं, तो पी का मान हो जाएगा 24 हो जाएगा, एच का मान जो है सेम रहता है, कर्ण का मान यहाँ कर्ण का मान चेंज नहीं होता, कर्ण का मान हो जाएगा 25, तो 24/25 सेंटीमीटर ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद है कॉस ए, कॉस ए यानी कि बी बाय एच, बी अपॉन एच हो जाएगा, यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जब कॉस ए लेंगे तो हम बताए थे अभी कि जिस एंगल को लिया जाता है उसके सामने का जो होता है भुजा ये कहलाती है लंब और ये भुजा कहलाती है आधार, कर्ण चेंज नहीं होता है, तो ए के सामने का भुजा ये तो लंब हो गया, ये क्या हो गया लंब हो गया, तो आधार कौन सा हो गया, ये हो गया आधार, ए भी हो गया आधार, और कॉस ए होता है आधार बटा कर्ण, आधार हो जाएगा 24, आधार क्या हो जाएगा 24 और कर्ण हो जाएगा 25, कर्ण 25 cm। यहाँ पर साइन ए में इसमें साइन ए होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो इसमें क्या करेंगे सुधार करेंगे, यहाँ पर जो है 24/25 नहीं होगा, यहाँ पर साइन ए पी बटा एच, ठीक है, ए के सामने लंब, लंब तो बी सी ही इसमें होगा, लंब क्या हो जाएगा बी सी ही होगा साइन वाला में, तो बी सी हो जाएगा लंब यानी कि 7 हो जाएगा और कर्ण 25, साइन ए हो जाएगा 7/25 और कॉस ए हो जाएगा 24/25। ये ए नंबर का, एक नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा है, दूसरा यहाँ पर क्या है, तो दूसरा है यहाँ पर साइन सी और कॉस सी का मान, चलिए दूसरा निकालते हैं साइन सी और कॉस सी का मान। दूसरा जो था
है साइन सी, कॉमा है कॉस सी, ठीक है। यहाँ पे ये त्रिभुज था ए बी सी, ये समकोण हो गया। इसका वैल्यू 24 cm था, ये 7 cm था, और यहाँ पर निकाला हुआ था 25 cm, ठीक है। तो चलिए साइन सी का मान निकालते हैं। साइन सी, यहाँ पर एंगल जो है सी लिया गया है, साइन सी। अभी तुरंत हमने बताया था कि जो एंगल को लिया जाता है उसके सामने का भुजा जो है ये लंब हो जाता है। इसमें साइन सी लिया गया तो लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, ए बी बटा कर्ण हो जाएगा ए सी। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया ए बी, कर्ण हो गया ए सी, यानी हो जाएगा ये 24/25 cm, ये हो गया आंसर साइन सी। उसके बाद है कॉस सी। कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर जब सी एंगल को लिया जाएगा तो इसके सामने का तो भुजा लंब हो जाएगा, यानी आधार बी सी हो जाएगा। तो कॉस का हो जाएगा आधार बटा कर्ण, यानी बी सी बटा ए सी, ठीक है। बी सी का मान है यहाँ पर कितना, 7 cm, और ए सी का मान है 25 cm, यानी 7/25 cm, ठीक है। और भी क्वेश्चन आगे देखेंगे, आगे के वीडियोज में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।